नमस्कार। अगर आपने मोटिवेशनल थ्योरीज के बारे में पढ़ा है तो मैस्लो नीड हायरार्की के बारे में ज़रूर सुना होगा, एंड जस्ट इन केस नहीं सुना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। मैस्लो ने मोटिवेशन को समझने के लिए फाइव काइंड की नीड्स को डिफाइन किया था। तो क्लेटन एडलफर ने इसी चीज़ को स्टडी करके, थोड़ा रिफाइन करके, इन्हीं नीड्स को एग्जिस्टेंस, रिलेटेडनेस एंड ग्रोथ में डिफाइन किया है। फर्स्ट, एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस से मतलब बेसिक मटेरियल रिक्वायरमेंट्स फॉर लिविंग, मतलब जीने के लिए ज़रूरी चीज़ें, जो इसमें मैस्लो की फिजियोलॉजिकल नीड्स जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, हवा, पानी, एंड सेफ्टी नीड्स जैसे हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट, प्रॉपर्टी, ये चीज़ें आती हैं। सेकेंड, रिलेटेडनेस। ये वो नीड्स हुई जिसमें पर्सन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स की इंपॉर्टेंस को समझता है, जैसे सोशल इंट्रैक्शंस, फ्रेंडशिप, फैमिली, लव, जो मैस्लो की सोशल नीड्स के साथ अलाइन होती हैं। बट इसमें एक्सट्रिंसिक सेल्फ इस्टीम भी आती है, जिसमें पर्सन दूसरों की नज़र में अपने लिए इज्जत या रिस्पेक्ट भी ढूंढता है। एंड लास्ट में ग्रोथ नीड्स। ग्रोथ नीड्स वो हुई जिसमें पर्सन पर्सनल डेवलपमेंट के बारे में सोचता है, उसका ख्याल करता है एंड उस पर काम करता है। तो इसमें इंट्रिंसिक सेल्फ इस्टीम जैसे सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ इस्टीम, अचीवमेंट आएगा, एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स जैसे मोरालिटी, क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिस्कवरी। एडलफर ने साथ में ये कहा था कि अगर किसी सर्टन कैटेगरी की नीड फुलफिल नहीं होती है एंड उसकी वजह से फ्रस्ट्रेशन होनी शुरू हो जाती है तो पर्सन लोअर कैटेगरी की नीड को सेटिस्फाई करने में एफर्ट डबल कर देता है। तो बेसिकली इस थ्योरी में कुछ नया नहीं है, मैस्लो की थ्योरी को समराइज करके बता दिया गया है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।